मुंबई के करीब नवी मुंबई में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 20 वर्षीय युवती यशस्वी शिंदे की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि युवती की हत्या कथित तौर पर उसके बॉयफ्रेंड दाऊद शेख ने की है। वारदात के बाद से वह फरार है। पुलिस के साथ ही क्राइम ब्रांच की टीम दाऊद की तलाश कर रही है। उधर यशस्वी के हत्यारे को अब तक नहीं पकड़े जाने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उरण में अपने परिवार के साथ रहने वाली यशस्वी शिंदे की चाकू मारकर क्रूरता से हत्या कर दी गई। यशस्वी शिंदे 25 जुलाई से लापता थी। उसका क्षत विक्षत शव शनिवार 27 जुलाई को नवी मुंबई के एक रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में मिला। यशस्वी शिंदे के पिता ने पुलिस को दिए अपने बयान में दाऊद शेख नाम के शख्स पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं मेडिकल जांच के बाद पता चलेगा कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है या नहीं। पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए 3 टीमें बनाई हैं। पुलिस को शक है कि आरोपी बेंगलुरु भाग गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब यशस्वी शिंदे 11वीं में पढ़ती थी तो आरोपी दाऊद शेख ने कथित तौर पर उसके साथ अश्लील हरकत की थी। तब यशस्वी नाबालिग थी, इसलिए दाऊद शेख के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया था। इस बीच पूरी घटना को लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है। इस घटना के संबंध में भारतीय न्याय संहिता धारा 103 के तहत अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हत्यारों को पकड़ने के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं और क्राइम ब्रांच भी मामले की जांच कर रही है। डेवलपमेंट बहुत ही पॉजिटिव है उसके बारे में और एक दो दिन में सब चीजें क्लियर हो जाएगी। आरोपी हिरासत में लिया जाएगा, तब आपको इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता दिया जाएगा। क्या लास्ट लोकेशन को लेकर कोई और जानकारी मिल पा रही है? उसका फोन एक्टिव है नहीं है, क्या उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, ये कुछ बातें अगर बता पाए आप? हमारे पास जानकारी है और उसके अनुसार इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और हम पॉजिटिव डायरेक्शन में है। आखिरी लोकेशन कर्नाटका बताया जा रहा है, क्या आगे का लोकेशन कुछ पता चला आप लोगों को? नहीं, अभी हम आपको सब चीजें नहीं बता सकते, लेकिन हम इतना ही बता सकते हैं कि वो जल्द ही उसको हिरासत में लिया जाएगा। आरोपी कन्फर्म हो गया, आरोपी कन्फर्म हो गया, आरोपी कौन है, क्या कन्फर्म वगैरह आपको मिले हैं? सर आरोपी कन्फर्म हो गया है, बस एक ही सवाल, दाऊद है या कोई और है? नहीं अभी आप नहीं बता सकते, अभी 48 आवर्स में हम क्लियर कर देंगे। स्थानिकांच्या माध्यमातून तपास यंत्रणा कुठेतरी दबाव आणू पाहत आहेत। काल उरण बंदची हाक देण्यात आली होती, तर स्थानिकांना इथल्या काही तुम्ही आवाहन करू इच्छिता? नहीं, दबाव इस बारे में कुछ भी नहीं है पुलिस यंत्रणा पे। पुलिस जो है पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, आम्ही पूर्णपने प्रयत्न करते कि आरोपी पर्यत लवकर पोचल जाव, त्याला अटक वावी आणि गुन्ह्याचा तपास अधिक। हमने अभी तक 4 टीमें बनाई है और अलग अलग जगह पर उनको भेज दिया गया है। वो अभी तक क्लियर नहीं। एक महत्वाचा प्रश्न, आरोपी वरती 2000 संशयित आरोपी या गुन्ह्याचा जो है त्याच्यावरती 2019 साली पॉक्सो आणि विनयभंगाचा गुन्हा दाखल होता। घटनेच्या वेळी आरोपी इथंच राहत होता की खास गुन्ह्यासाठी तो या ठिकाणी आलेला होता, असं प्राथमिक दृश्य आपल्याला स्पष्ट झालंय? नाही, आपल्याला आता काही गोष्टी ज्या क्लिअर झालेल्या आहेत ते तपास चालू आहे त्याच्या माध्यमातून। थँक्यू सर, थँक्यू। माहिती चालू सर, तपास चालू। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।